हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन क्लासेस ऑन बिहाफ ऑफ गेटवे इंटरनेशनल स्कूल बागपत। स्टूडेंट, टुडे हियर वी गो विद चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 5th। दिस इज ऑफ स्टैंडर्ड 8th एंड इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश मेन कोर्स बुक। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में पहुंची, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में ये चैप्टर है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन, सो प्लीज पे अटेंशन हियर। स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो हियर वी गो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। There are many Indian women who have made their country proud with contributions in various fields. ऐसी बहुत सी महिला भारतीय हैं, भारतीय महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने योगदान से अलग अलग क्षेत्रों में अपने देश को गौरवान्वित किया है, अपने देश का सर ऊंचा किया है। वन सच वुमेन वॉज कल्पना चावला, ऐसी ही एक महिला जो है वो कौन थी, कल्पना चावला। ये नाम, इस नाम को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये नाम खुद में एक पहचान बन चुका है समस्त देशवासियों के लिए। इवन सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस नाम को बहुत अच्छे से जाना जाता है, पहचाना जाता है। She was an Indian woman, even the first Indian woman who travelled in space. ये पहली भारत की महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। So इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, भारत का नाम गौरव से लिया जाता है ऐसी ही महिलाओं के योगदान के कारण। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ट्रैवल टू स्पेस, ये पहली भारतीय महिला है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली। कैन यू रिकॉल द नेम्स ऑफ अदर इंडियन वुमेन हु हैव मेड इंडिया प्राउड, क्या आप दूसरी, रिकॉल में होता है याद करना, क्या आपको किसी दूसरी महिलाओं के, दूसरी महिलाओं का भी नाम याद है, हु हैव मेड इंडिया प्राउड, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। हाँ बिल्कुल, हमारे देश में वक्त वक्त पर बहुत सी ऐसी बेटियाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने देश का नाम पूरी दुनिया में बड़े ही सम्मान के साथ ऊंचा किया है। डिस्कस देयर अचीवमेंट्स, आप उनके अचीवमेंट्स के, उनकी उपलब्धियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं आपस में। ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं जैसे बछिंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ऐसी पीटी उषा, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रनिंग में। इवन रानी लक्ष्मीबाई, भारतीय इतिहास में ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो आज भी पूरी दुनिया में भारत की एक अलग ही पहचान रखते हैं। Being a role model for countless young women in India and around the world, Kalpana Chawla will always be remembered for her incredible journey from Karnal to NASA. Being a role model, एक role model बनने के कारण, एक role model means अनुकरणीय, role model, what is the meaning of role model? अनुकरणीय, यानी कि जिसको फॉलो किया जाए, जिसका अनुकरण किया जाए। तो एक रोल मॉडल बनने के कारण फॉर काउंटलेस यंग वुमेन, बहुत सारी, अनगिनत, काउंटलेस मीन्स क्या होता है, अनगिनत, यंग वुमेन, युवा महिलाओं के लिए, बहुत सी अनगिनत युवा महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनने के कारण इन द इन इंडिया, भारत के अंदर और इवन अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में भारत में युवा महिलाओं के लिए, अनगिनत युवा महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनने के कारण कल्पना चावला जो है
कल्पना चावला को और उनकी जर्नी को, कल्पना चावला विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, कल्पना चावला को हमेशा याद किया जाएगा फॉर हर इनक्रेडिबल जर्नी, उनकी इनक्रेडिबल जर्नी, इनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य, जर्नी मीन्स यात्रा, उनकी अतुल्य यात्रा के लिए और एक रोल मॉडल बनने के कारण लाखों करोड़ों अनगिनत युवा महिलाएं भारत की और दुनिया भर की उनको हमेशा याद करती हैं और करती रहेंगी, वो कभी भूली नहीं जा सकती, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और उनकी इस यात्रा के लिए भी उन्हें याद किया जाएगा कि वो एक छोटे से शहर करनाल से सीधा कहाँ पर पहुँची, टू नासा, नासा तक। तो कल्पना चावला के एफर्ट और उनकी इस इनक्रेडिबल जर्नी को दुनिया कभी भी नहीं भूल सकती। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनेट कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द स्टार्स। इंडिया और अमेरिका या इन्हें दोनों जगह की सदस्यता मिली हुई थी, यानी कि ये दोनों नागरिकता जो है इन पर दोनों जगह की थी, इंडिया की भी थी और अमेरिका की भी थी। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनेट, एस्ट्रोनेट मीन्स वो क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला, तो भारतीय और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो है वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पहली भारतीय महिला थी टू रीच द स्टार्स, जो स्टार, जो सितारों तक पहुंची, जो अंतरिक्ष तक पहुंची, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली बनी। शी वाज पार्ट ऑफ टू ऑफ नासाज स्पेस मिशंस। ये नासा के बहुत सारे मिशंस होते हैं, बहुत सारी योजनाएँ, बहुत सारे परियोजनाएं होती हैं जिनमें ये दो का हिस्सा बनी है, यानी कि दो नासा के मिशंस में इन्होंने पार्ट लिया है। ओवर द कोर्स ऑफ विच शी क्रॉनिकल 30 days 14 hours and 54 minutes इन स्पेस। जिनके कोर्स के दौरान, यानी कि जिनके काम के दौरान, जब ये स्पेस में मिशन चल रहे थे, तो इन मिशंस के दौरान इन्होंने क्रॉनिकल्ड, इट मीन्स मशीन में रिकॉर्डेड, क्रॉनिकल्ड मीन्स क्या होता है, लिपिबद्ध, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, लिपिबद्ध। तो लिपिबद्ध यानी कि लिखित रूप में जो मशीन ने रिकॉर्ड किया है, इन्होंने जो अपना टाइम पीरियड स्पेस में बिताया है वो क्या है, 30 days 30 दिन 14 hours 14 घंटे and 54 minutes or 54 minutes इन्होंने अंतरिक्ष में गुजारे हैं दो मिशन के दौरान। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन 1962 इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला 1962 में पैदा हुई थी, इनका जन्म 1962 में करनाल में हुआ, विच इज़ इन द स्टेट हरियाणा, जो हरियाणा राज्य में मौजूद है, इन इंडिया। टू पेरेंट्स बनारसी लाल चावला एंड संज्योति। तो इनके पिता का नाम जो था वो क्या था, बनारसी लाल चावला एंड संज्योति। तो कल्पना चावला, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ये अक्सर जीके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला का जो बर्थ ईयर है वो कौन सा है, 1962, और वो कहाँ पैदा हुई थी, इन करनाल, एंड करनाल इज़ इन हरियाणा। और उनके पापा, पिता का नाम क्या था, बनारसी लाल चावला, एंड मदर नेम वॉज संज्योति। सो नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है स्पीकर उनके बारे में। कल्पना अर्न्ड अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज बिफोर इमाइग्रेटिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू परस्यू हर हायर एजुकेशन। कल्पना अर्न्ड अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कल्पना ने डिग्री हासिल की है किसमें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि एरोनॉटिकल मीन्स वैमानिक, यानी जो एयर स्पेस से रिलेटेड
एक स्ट्रीम होती है इंजीनियरिंग में, उन्होंने वहाँ से उस डिग्री को हासिल किया फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से। बिफोर इमाइग्रेटिंग, इमाइग्रेटिंग मीन्स होता है देशांतर, यानी कि जाना, जाने से पहले टू द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल कर ली थी। और ये अमेरिका क्यों जाना चाहती थी? टू परस्यू हर हायर एजुकेशन, ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सके, यानी कि इसी फील्ड में वो आगे एजुकेशन गेन कर सके। शी ऑब्टेन हर मास्टर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, उसने अपनी मास्टर डिग्री टेक्सा यूनिवर्सिटी से हासिल की एंड ए डॉक्टरेट्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, और उन्होंने इसी में पीएचडी डॉक्टरेट भी हासिल की, किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो नाम की यूनिवर्सिटी से। कल्पना वाज पैशनेट अबाउट फ्लाइंग, कल्पना को सबसे ज़्यादा जो शौक था, सबसे ज़्यादा जो उसका मन था वो था फ्लाइंग, उसे उड़ने का, उसे चीज़ों को उड़ाने का बड़ा शौक था। एंड वाज ए सर्टिफाइड कमर्शियल पायलट, और वो एक प्रमाणित कमर्शियल पायलट थी विद लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस भी था टू फ्लाई ग्लाइडर्स, ग्लाइडर्स को उड़ाने का, सी प्लेन्स समुद्री जहाज को उड़ाने का, एंड मल्टी इंजन एयरप्लेन्स, और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स भी उड़ाने का उनके पास लाइसेंस मौजूद था। शी ऑल्सो बिकेम ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बनी, एंड मैरिड एन अमेरिकन एविएशन ऑथर, एविएशन मीन्स होता है रिलेटेड टू एरो, एयर स्पेस या एरोप्लेन, तो विमानन इसको बोलते हैं। तो उन्होंने एक शादी भी जो की थी वो एक अमेरिका के व्यक्ति, अमेरिकी ऑथर, एक लेखक थे, जो किसके बारे में राइट किया करते थे? अबाउट द एरोप्लेन्स। तो उन्होंने उनसे शादी की, जिनका नाम क्या था, इस ऑथर से, इस लेखक से शादी की, जिनका नाम था जीन पियरर हैरिसन, जीन पियरर हैरिसन, इन 1983। और इनकी शादी जो हुई थी 1983 में हुई थी, जस्ट नोट इट डाउन, इसको भी नोट कर लीजिए। इन अप्रैल 1991 में कल्पना बिकेम ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, और 1991 में कल्पना एक प्राकृतिक रूप से ही यूएस सिटीजन, अमेरिकी नागरिक बन गई थी, एंड अप्लाइड फॉर द नासा एस्ट्रोनेट क्रॉप्स, और उन्होंने नासा के एस्ट्रोनेट, यानी कि जो नासा का जो एस्ट्रोनेट डिपार्टमेंट था, उसके लिए अप्लाई किया, उसको ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया विद इन 3 ईयर्स, और इवन 3 सालों में शी वाज सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हो गई, उसे चुन लिया गया एज एन एस्ट्रोनेट, एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में। एंड 1 ईयर आफ्टर ट्रेनिंग, और एक साल की ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद, शी बिकेम अ क्रू रिप्रेजेंटेटिव, एक क्रू रिप्रेजेंटेटिव मीन्स एक कर्मी दल, क्रू मीन्स क्या होता है? कर्मी दल, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसको प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी कि चालक दल का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने वाला, यानी कि जो चालक दल की एक हेड कह लीजिए या टीम लीडर कह लीजिए, तो वो एक चालक दल की टीम लीडर बन चुकी थी। एंड टेस्टेड सॉफ्टवेयर फॉर स्पेस शटल्स, और उन्होंने स्पेस शटल जो अंतरिक्ष यान थे उनके सॉफ्टवेयर्स को चेक भी किया, उनको टेस्ट भी किया। कल्पनाज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई इन स्पेस केम इन नवंबर 1997, ये अंडरलाइन कर लीजिए। कल्पना चावला जो थी उनकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है टू फ्लाई इन स्पेस, स्पेस में जाने की, वो सबसे पहले कब आई? इन नवंबर
1997 में एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन, और वो पहली भारत में जन्मी महिला बनी, एंड द सेकंड इंडियन, और दूसरी भारतीय बनी टू फ्लाई इन स्पेस, जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा, अंतरिक्ष में यात्रा की। सो स्टूडेंट्स, कल्पना ने अपनी जर्नी करनाल से शुरू की। करनाल में उन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई और उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री टेक्सा यूनिवर्सिटी से गेन की, टेक्सा यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद इन्होंने वहीं से डॉक्टरेट भी किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से। इसके बाद उन्होंने बहुत सी डिफरेंट अपने जो एम्बिशंस थी उनको, एरोप्लेन उड़ाने का बड़ा शौक़ था, तो जिसकी वजह से उन्होंने सर्टिफाइड कमर्शियल पायलट भी वो बनी, जिनके पास लाइसेंस भी था। उन्होंने ग्लाइडर, सी प्लेन्स और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स उड़ाने का लाइसेंस हासिल किया। उसके बाद वो एक प्रमाणित यानी कि सर्टिफिकेट मिला हुआ था उन्हें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनने का। उसके बाद उन्होंने एक अमेरिकी लेखक जीन पियरर हैरिसन से शादी की इन 1983, और अप्रैल 1991 में वो एक पूरी तरीके से अमेरिकी नागरिक बन गई। और उन्होंने अप्लाई किया किसके लिए, नासा के एस्ट्रोनॉट ग्रुप के लिए, और 3 साल में ही उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग हुई और वो एक टीम लीडर के रूप में उभर कर सामने आई, और आखिरकार पहली बार 1997 में कल्पना चावला को स्पेस में जाने का पहला मौका मिला, और वो भारत की पहली महिला बनी और भारत का दूसरा नागरिक, क्योंकि पहला नागरिक कौन था स्पेस में जाने वाला, राकेश शर्मा, और ये दूसरी नागरिक थी, लेकिन महिलाओं में ये फर्स्ट हैं, पहली महिला है जो भारत में जन्मी थी और ये अंतरिक्ष में पहुंची थी। आगे क्या होता है, लेट्स सी। ऑन हर मेडन मिशन, मेडन मीन्स प्रथम, पहला, अपने पहले मिशन पर जब वो जा रही थी, विच लास्टेड 2 वीक्स, जो 2 हफ्तों तक चला, कल्पना फ्लू अबोर्ड STS-87, ये उस शटल का नाम है, उस अंतरिक्षयान का नाम है STS-87। तो कल्पना ने इसमें उड़ान भरी अलोंग विद द 6-member क्रू, जिसमें 6 मेंबर थे, एंड दिस वाज द 24th मिशन, और ये 24th मिशन था कैरिड आउट ऑन स्पेस शटल कोलंबिया, जो किस पर किया जा रहा था, स्पेस शटल अंतरिक्षयान कोलंबिया पर, कोलंबिया अंतरिक्षयान पर ये नासा का मिशन था, जिसका नंबर क्या था, 24। तो 24th मिशन था नासा का कोलंबिया स्पेस शटल पर, और जिनमें 6 मेंबर इस स्पेस शटल पर, शटल में बैठे हुए थे, और इसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। तो इट ट्रेवर्स्ड मोर देन 10.4 million। ट्रेवर्स्ड मीन्स यात्रा की। इस स्पेस शटल जिसका नाम STS रखा गया था 87, इसने लगभग 10.4 मिलियन माइल्स की यात्रा की इन 252 ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ। ऑर्बिट्स मीन्स होता है परिक्रमा, यानी कि परिक्रमा यानी कि जो राउंडेड एरिया है अर्थ का, पृथ्वी का, उसमें लगभग 252 ऑर्बिट में इन्होंने लगभग 10.4 मिलियन माइल्स की यात्रा की उस स्पेस शटल में। एंड कल्पना चावला
लॉग्ड मोर, कल्पना चावला लॉग्ड मोर देन 372 आवर्स इन स्पेस, और कल्पना चावला ने 372 आवर्स लगभग 372 घंटे बिताए स्पेस के अंदर। हर परफॉर्मेंस वाज एक्नॉलेज्ड, और उनके जो काम करने की परफॉर्मेंस थी वो एक्नॉलेज, वो पहचानी गई उनके काम करने के तरीके से, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस उनके क्रू मेंबर हुए। एंड रिकॉग्नाइज्ड, और उनको जाना गया विद ए स्पेशल अवार्ड, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको सराहा गया विद ए स्पेशल रिवॉर्ड फ्रॉम हर पीयर्स। पीयर्स मीन्स क्या होता है, द क्रू मेंबर्स फ्रेंड्स साथी, तो जो भी उनके साथी थे उन्होंने एक स्पेशल रिवॉर्ड से अवार्ड से उन्हें रिकॉग्नाइज किया, उनको एक्नॉलेज्ड किया उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। ऑन वन ऑफ द नाइट पासिस, उनकी जब वो इस तरीके से नाइट में ट्रैवल कर रही थी, तो एक रात जब वो गुजार रही थी तो वो क्या कहती है, आई डिम्ड द लाइट्स इन द फ्लाइट डेक, मैंने जो स्पेस शटल जो फ्लाइट यानी कि जो जहाज जो अंतरिक्ष यान था उसके डेक, डेक मीन्स होता है ऊपर का हिस्सा, तो जो ऊपर का हिस्सा था उस अंतरिक्ष यान का, आई डिम्ड, मैंने उसको उसकी जो लाइट्स थी उसे धीमा कर दिया। एंड सा द स्टार्स, और मैंने सितारों को देखा। व्हेन यू लुक एट द स्टार्स, जब आप स्टारों को देखते हैं, एंड द गैलेक्सी और आकाश गंगा को देखते हैं, यू फील, आप ऐसा महसूस करते हैं दैट यू आर नॉट जस्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, कि आप किसी खास दुनिया से नहीं है, किसी खास धरती से नहीं है, बट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, बल्कि आप भी उस सोलर सिस्टम का, आप तो सौर मंडल का एक हिस्सा है। शी सेड, उन्होंने कहा आफ्टर हर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली फ्लाइट के बाद, जब वो पहली फ्लाइट अपना पहला मिशन पूरा करके धरती पर वापस आई, तब उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया, ये बात बताई कि मैंने एक बार लाइट ऑफ करके अंतरिक्ष यान के डेक की ऊपरी हिस्से की मैंने स्टार्स को देखा। तो स्टार्स और आकाश गंगा को देखने पर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी एक विशेष धरती से हैं या पृथ्वी से के निवासी है, ऐसा लगता है जैसे हम भी सौर इस सोलर सिस्टम का, इस सौर मंडल का एक हिस्सा है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट वन। वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन आई एडवाइज यू स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।